शब्द है जिसे हर बच्चा सबसे पहले पुकारता है, माँ। एक ऐसा एहसास है जिसे हम सदा अपने मन में बसा लेना चाहते हैं। जब भी हम किसी दर्द में होते हैं तो हमें सबसे पहली याद माँ की आती है, और जब भी हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं तब भी हमें माँ की ही याद आती है। माँ हमारी सभी परेशानियों को बिना कहे समझ जाती है। अपने बच्चों के लिए माँ हर दर्द सहने को हमेशा तैयार रहती है और उफ तक नहीं करती। अपने इस निस्वार्थ प्यार के बदले उन्हें कभी कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो बस हमारी खुशी। वैसे तो हमें पालने पोसने में और सक्षम बनाने में माँ के सामने कई चैलेंजेस होते हैं, लेकिन इसमें हमारे पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों का भरपूर सहयोग होता है। लेकिन जिंदगी के सफर में अगर एक माँ को एक सिंगल पेरेंट की भूमिका निभानी हो तो उनके लाइफ के चैलेंजेस कुछ बढ़ जाते हैं। तो प्रस्तुत है हमारा ये नाटक सिंगल मदर्स की लाइफ के चैलेंजेस और उनके करेज को दर्शाते हैं। तपस्या, द ट्रिब्यूट टू सिंगल मदर्स। कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हाँ हाँ, वो प्रेजेंटेशन इज रेडी। पता चल रहा 2 बज गए थे वो प्रेजेंटेशन रेडी करते करते। ओके, हाँ ओके, बाय, चलो सी यू। सिया, विवान, बच्चों उठ जाओ, कम ऑन, कम ऑन। देखो मम्मा ने ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लिया। मम्मा, प्लीज थोड़ी देर और सोने दीजिए ना। नो बेटा, मम्मा को ऑफिस भी तो जाना है ना। चलो उठे हुए, मैं गुड गर्ल हूँ। ओके मम्मा, दैट्स लाइक माय गर्ल। और बच्चे प्लीज विवान को भी उठा देना ना, व्हेन यू बोथ हैव टू गो टू स्कूल। ओके ओके मॉम। चलो तुम दोनों जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, फिर मैं तुम लोगों को स्कूल ड्रॉप करके आ जाऊं। मम्मा, पर आपने तो ब्रेकफास्ट किया ही नहीं। बच्चा भी टाइम नहीं है मेरे पास। बट मॉम, आप हमें तो हमेशा टाइम पे ब्रेकफास्ट कराती हैं और खुद नहीं करती। नहीं विवान, ऐसा नहीं है बेटा। भैया ठीक कह रहे हैं मम्मा, आप कभी ब्रेकफास्ट करते हो और कभी बिना किए ही ऑफिस चले जाते हो। दैट इज नॉट फेयर। ओके ओके मेरी माँ, अब से मैं रोज ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाया करती हूँ। अब खुश? दैट्स लाइक माय मॉम। चलो अब जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और रेडी हो जाओ। ओके मामा। तो इस तरह तपस्या हर रोज की तरह बिना खाना खाए बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके अपने ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से वो ऑफिस थोड़ा देर से पहुंचे। तो आगे क्या होता है ये देखने के लिए चलिए देखते हैं हमारे नाटक की अगली कड़ी। गॉड, बस बॉस ना ऑफिस में। प्लीज गॉड प्लीज। तपस्या, यू आर अगेन लेट टुडे। सॉरी सर, वो एक्चुअली बच्चों को ड्रॉप करना था ना और ट्रैफिक भी इतना है कि। देखो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है,
I can't see my organization suffer because of it. और तुम्हें वैसे भी अपनी ये लेट आने की आदत सुधारनी पड़ेगी. तुम्हें पता है ना तुम्हारी जॉब को टेक ओवर करने के लिए कितने लोग लाइन पे खड़े हैं. सॉरी सर, अब आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा. बेटर फॉर यू. वेल, वो प्रेजेंटेशन तैयार है ना? यस यस सर, इट्स रेडी. ठीक है, अपने सारे टीम मेंबर्स को लेकर अगले एक घंटे में मीटिंग हॉल में पहुंचो. डोंट बी लेट. श्योर सर. यार तपस्या, तू रोज इतना लेट क्यों करती है यार? यू नो ना बॉस हेट्स दिस. क्या करूं मुस्कान, सुबह सुबह इतने काम होते हैं ना कि. खैर छोड़ो, मुझे लगता है ना मुझ में कोई कमी है. मानव से अलग होते तो बहुत अच्छे से कहा था. यू नो व्हाट, आई कैन हैंडल एवरीथिंग विदाउट हिम. अब मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी है. अरे आज तो कैसी बातें कर रही है तपस्या, क्या तू भूल गई किस तरह तुझे घरेलू हिंसा का शिकार बना दिया गया था? और वो मानव किसी दानव से कम नहीं था. वो तुझे बेवजह टॉर्चर करता रहता था और बाकी के घर वाले उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था. मुस्कान, सिंगल मदर्स की लाइफ इतनी इजी नहीं होती है. उन्हें सब कुछ अकेले हैंडल करना होता है, घर, बच्चे, जॉब, सब कुछ. और ये समाज, उनकी नजरें, जाने कितने सवाल, जाने क्या क्या बातें करते हैं उनके बारे में. Oh my God, तपस्या, तुम कब से इतनी कमजोर हो गई हो? तुम वो तपस्या हो ही नहीं जिसे मैं बचपन से जानती थी. वो तपस्या जो मुश्किलों से कभी नहीं भागी. वो तपस्या जो हर हाल में आगे बढ़ना जानती थी. वो जिसे समाज की कोई परवाह नहीं थी. वो तपस्या जो हर मुश्किल का सामना डटकर और हंसते हुए करती थी. तुम्हें याद है जब तुम स्कूल की हेड गर्ल चुनी गई थी तो प्रिंसिपल मैम ने तुमसे कहा था कि आगे चलकर तुम्हें देश की भागदौड़ संभालनी है. और तुमने मैम से प्रॉमिस किया था कि आगे चलकर तुम एक आईएएस ऑफिसर बनके दिखाओगी. और ये तो तुम्हारा भी सपना था ना. जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है मुस्कान. और सपनों का क्या है, सपने तो हम रोज देखते हैं ना, सारे सच थोड़ी होते हैं. अब तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें इस काबिल बना लूँ कि वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार सके, उनके सारे सपने पूरे हों, उन्हें कभी किसी चीज की कमी ना हो. और देखना, ये पूरा करने के लिए ना मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी. हाँ तपस्या, मुझे पता है तुम एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग वुमन हो. और हमारे समाज के लिए, हर एक सिंगल मदर्स के लिए तुम एक इंस्पिरेशन हो. थैंक्स मुस्कान, और तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो. तुमने मुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया. अब चले, द बॉस इज वेटिंग फॉर द प्रेजेंटेशन. चलो. तो देखा आपने कि किस तरह तपस्या एक माँ और स्पेशली एक सिंगल मदर होने के नाते अपनी सभी जिम्मेदारियों का पूरी मेहनत और लगन से पालन करती है. उसके सामने कई चैलेंजेस और स्ट्रगल्स, पर वो उनसे घबराती नहीं है बल्कि उनका डट कर सामना करती है. वो कहते हैं ना दैट समटाइम्स द स्ट्रेंथ ऑफ मदरहुड इज ग्रेटर देन द नेचुरल लॉज. तपस्या उसी शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण है. तो तपस्या ऑफिस के बाद घर लौटती है और कुछ देर अकेले बैठती है. तो आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं हमारे नाटक की अंतिम कड़ी में. अरे तपस्या बेटा, सो जाओ, रात बहुत हो गई है, बाकी पढ़ाई कल कर लेना. पापा जी बस एक टॉपिक और बचा है, मैं वो कंप्लीट कर लूँ फिर मैं पक्का सो जाऊँ. अरे बेटा तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी, बात मानो मेरी. पापा जी मैं बस एक बार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लूँ ना, फिर मैं आराम की नींद सोया करूंगी, फिर मैं काम करूंगी और आप आराम करना. ओके. अरे तुम मेरी बेटी नहीं, तुम मेरा बेटा है. आई एम सो प्राउड ऑफ यू.
क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हाँ मम्मा बताओ, आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बच्चों, बस ऐसे। मम्मा हमें पता है आप हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं, हमारा इतना ध्यान रखती हैं। एंड डोंट वरी, हम भी बड़े होके बहुत मेहनत करेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। यस मॉम, बड़ी होके मैं IAS ऑफिसर बनूंगी और उसके बाद आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं काम करूंगी और आप आराम करेंगी, ओके? तो इस तरह हमने देखा कि अपनी डेली लाइफ में सिंगल मदर्स को हर दिन नए नए संघर्षों से गुजरना पड़ता है और हमारा समाज इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ हेल्पिंग हैंड उनके संघर्षों में इजाफा ही करता है। लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हो, वो अपना साहस, अपना संकल्प नहीं छोड़ते। दोस्तों आइए आज ऑन द ओकेजन ऑफ मदर्स डे हम उनके इस अटूट जज्बे को सलाम करें और ये प्रण ले कि हम ऐसी सिंगल मदर्स को समाज में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन दिलाएंगे और उनके संघर्ष और डिसीजंस को समझने का प्रयत्न करेंगे चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो। लेट्स टुगेदर मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस फॉर एनीवन टू एवरीवन, एज इट इज राइटली सेड, चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आप सभी को और सभी मदर्स को भारतीय परिवार की ओर से हैप्पी मदर्स डे। आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया। धन्यवाद।